डियर स्टूडेंट्स, हमारे रिवीजन सीरीज का आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने सेल डिवीजन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को रिवाइज कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें भी जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड डाइफायोडोंट क्योंकि हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहले आफ्टर द बर्थ जो टीथ आते हैं उसे हम टेम्पररी सेट बोलते हैं और इसमें टोटल 20 टीथ होते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला फॉर द टेम्पररी सेट? 2102 2102। इसका मतलब है कि टेम्पररी सेट्स में देयर आर नो प्री मोलर्स। प्री मोलर नाम का दांत टेम्पररी सेट में नहीं होता है। एंड देन वी हैव गेट द परमानेंट सेट। परमानेंट सेट्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। यहां पे टोटल 32 टीथ होते हैं, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ये सबके पास नहीं होता है। एंड द डेंटल फॉर्मूला इज 2123 2123। मतलब ये जो प्री मोलर्स हैं एंड लास्ट पेयर ऑफ मोलर, क्योंकि यहां पे केवल दो दो मोलर्स थे, यहां पे वी हैव गॉट 3 3। सो द लास्ट पेयर ऑफ मोलर्स एंड द प्री मोलर्स दे अपीयर ओनली इन द परमानेंट सेट। नेक्स्ट वन इज द थिकोडोंट। थिकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे दांत जो हमारे जॉ के सॉकेट्स होते हैं, जॉ दैट इज द मैंडिबल एंड द मैक्सिला, उसके सॉकेट्स में फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन द जॉ सॉकेट्स। This is also called heterodont because we have got 4 types of teeth. They are incisors, canines, premolars and the molars. Now, ये जितने भी दांत हैं, सभी दांतों का origin same है, सभी के सभी same material के बने हुए हैं, लेकिन उनका function अलग अलग है। जैसे कि हमारा जो incisors है, जो कि सामने वाले दांत है, they help in the biting और cutting. जो canines हैं, जो कि थोड़े sides में है, they will help in the tearing. Premolars and the molars, they help in the grinding. So, they all have different functions, but they have the same origin. Hence, our teeth is showing homology. Now, जो दांत का outer most layer होता है, that is the hardest material of our body, that is more hard than the bone also, and this is called the enamel. The next important question is about the wall of the alimentary canal. हम लोग बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे बाहर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड द सेरोसा। तो सेरोसा इज अ एपिथेलियल लेयर जिसको कि हम लोग मेसोथीलियम बोलते हैं। दैट इज द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, उनके एपिथेलियम को हम लोग मेसोथीलियम बोलते हैं। दिस इज योर सेरोसा विच इज द आउटर मोस्ट। सेरोसा के बाद नेक्स्ट लेयर इज द मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स। यहाँ पे कॉमनली दो लेयर होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल इज आउटर एंड सर्कुलर इज इनर। आपको अगर याद करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, सिंपली सी द सेकेंड लेटर्स ऑफ बोथ। लॉन्गिट्यूडनल एल ओ, लॉन्गिट्यूडनल इज आउटर, सर्कुलर सी आई, सर्कुलर इज इनर। नाउ वी कैन हैव अ एक्स्ट्रा लेयर एंड दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक लेयर। ये जो ऑब्लिक लेयर होता है ये स्टोमक में मिलता है। तो अगर हम स्टोमक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दो लेयर तो रहेंगे बट ये दोनों लेयर बाहर में रहेंगे। द इनर मोस्ट लेयर इज गोइंग टू बी द ऑब्लिक इन द स्टोमक। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? तो ऑब्लिक लेयर ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट वी हैव गॉट द सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा दिस इज द लेयर जहां पे कि आपको नर्व सप्लाई मिलेगा, जहां पे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, जहां पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ ऐसे तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर, लेकिन वन ग्लैंड दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द डुओडेनम एंड दिस इज फाउंड इन द सब म्यूकोसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ द डुओडेनम किस लेयर में पाया जाता है? तो दिस इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। नेक्स्ट द इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा होता है ये अंदर की तरफ इन फोल्डिंग दिखाता है। अगर हम स्टोमक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां का इन फोल्डिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रिक र्यूगे। अगर हम इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द विलाई। नाउ कोई भी चीज अगर फोल्ड करके रखा हुआ है, फोल्डिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यहां पे आपका ये सरफेस एरिया बढ़ता है।
म्यूकोसा, मैंने अभी बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर एक्सेप्ट द ब्रूनस ग्लैंड। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं लाइक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमक, वी हैव द क्रिप्स ऑफ लिवर कून, दे आर द ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन वी हैव गॉट द गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट द म्यूकस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द लिवर। अब जो ये लिवर है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल इन दिस चैप्टर। नाउ लिवर के पास चार लोब्स होते हैं, एनसीईआरटी में केवल दो लोब दिया हुआ है, दैट इज द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, बट इट आल्सो हैज टू मोर लोब्स कॉल्ड क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। नाउ एवरी लोब हैज गॉट मेनी लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जैसे कि हमारा किडनी है तो किडनी में नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इन द सेम वे यहां पे दिस इज नॉट द लोब, दिस इज द लोब्यूल दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये जो हेक्सागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड अ लोब्यूल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके बनते हैं लोब्स और लोब्स मिलके बनते हैं लिवर। नाउ इस लोब्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये रेड रेड सेल्स मैंने बना के रखा है, दीज आर द हेपेटिक सेल्स विच आर अरेंज इन अ कॉर्ड लाइक फैशन। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईच लोब्यूल इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस लिवर में कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड कुफर सेल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टू अंडरस्टैंड अबाउट द बाइल डक्ट्स। नाउ मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लिवर बाइल को सिंथेसिस करता है। नाउ ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब, दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलते हैं, सिंस ये डक्ट लिवर से आ रहा है दे आर द हेपेटिक डक्ट, तो दोनों मिलके क्या बनाया हेपेटिक डक्ट, तो हेपेटिक डक्ट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिवर। देन वी हैव गॉट द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ बाइल। नाउ गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है दिस इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, तो यहां से भी बाइल आएगा लिवर से भी बाइल आएगा। नाउ दोनों डक्ट आपस में कंबाइन करेंगे एंड दिस फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, सिंस लिवर भी बाइल दे रहा है गॉल ब्लैडर भी बाइल दे रहा है तो दोनों के डक्ट मिलते हैं, दैट इज द हेपेटिक डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट, दे आर गोइंग टू ज्वाइन टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कॉमन बाइल डक्ट आप देखिए ये आएगा और ये पैनक्रियास के साथ ज्वाइन करेगा, पैनक्रियास का जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द पैनक्रियाटिक डक्ट, सो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट जब जुड़ेंगे तो दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डुओडेनम। नाउ जहां पे ये ओपन करता है यहां पे स्पिंस्टर लगा हुआ है एंड दिस स्पिंस्टर इज कॉल्ड स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, सो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डुओडेनम एंड दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ स्पिंस्टर एंड दैट स्पिंस्टर इज कॉल्ड एज द स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द बाइल, द बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर बट दिस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर और बाइल विल बी रिलीज्ड, बाइल को फाइनली कहां पे रिलीज किया जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी रिलीज इन द डुओडेनम। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइल के पास किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो डू रिमेंबर बाइल हैज गॉट नो एंजाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द बाइल पिगमेंट्स, तो बाइल पिगमेंट्स आर बिलिरुबिन एंड बिलिगर्डिन, दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन डाइजेशन, जब हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है तो बिलिरुबिन और बिलिगर्डिन बनाता है। देन वी हैव द बाइल सॉल्ट्स, तो बाइल सॉल्ट्स जनरली दो तरह के होते हैं ग्लाइकोलेट्स एंड टोरोकोलेट्स। Then we have got the cholesterol, we have the phospholipids. What is the role of the bile? So bile हमें मदद करता है fat के digestion में. Fat का जब तक emulsification नहीं होगा तब तक fat digest नहीं हो सकता है, उसके ऊपर gastric lipase या intestinal lipase या pancreatic lipase मतलब किसी भी तरह का lipase उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा. So ये emulsification of the fat में मदद करता है. क्या समझते हैं emulsification of the fat से? जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, उनको स्मॉल साइज में तोड़ना एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मिसेले, तो दैट लार्ज साइज फैट मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल साइज मिसेले बाय द हेल्प ऑफ द बाइल दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ग्लैंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि तीन पेयर के होते हैं,
वन इज द पैरोटिड ग्लैंड जो कि जस्ट बिलो आवर ईयर प्रेजेंट है, और इसका जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द स्टेंसन्स डक्ट. देन वी हैव द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट एट द लोअर जॉ, एंड इसका जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द वॉटन्स डक्ट. एंड देन वी हैव सब लिंगुअल, लिंगुअल दैट इज बिलो द टंग, इसका डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस और द बार्थोलिन डक्ट. नाउ दिस सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो है पैरोटिड ग्लैंड. कभी कभी इसका इंफ्लेमेशन हो जाता है, इंफ्लेमेशन इज कॉल्ड एज द मम्स. एंड नाउ वी हैव गॉट द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट समथिंग कॉल्ड द सलाइवरी जूस, एंड सलाइवरी जूस का जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो है सलाइवरी एमाइलेज दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च. तो जैसे ही स्टार्च हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. 30% ऑफ द स्टार्च इज जनरली एक्टेड अपॉन बाय द सलाइवरी एमाइलेज. और ये कितने पीएच पे काम करता है, तो दिस एक्ट्स एट 6.8 पीएच. अपार्ट फ्रॉम दिस सलाइवा आल्सो हैज लाइसोजाइम व्हिच इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर. व्हेन वी च्यू द फूड इन आवर माउथ दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. जब आप च्यू करते हैं तो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, एंड दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर नोन एज द बोलस, और इसी बोलस को हम लोग स्वेलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेग्लुटिनेशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहेंगे. स्टोमक के डिफरेंट रीजंस हैं. सबसे ऊपर में है फंडस, देन वी हैव द बॉडी दैट इज द मेन पार्ट, एंड देन वी हैव द पाइलोरस एट द लोअर पार्ट. बट जिस पार्ट पे ओएसोफेगस ओपन करता है, जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द कार्डियक रीजन. नाउ ये जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज द ग्लैंड्स प्रेजेंट है. सबसे पहला इज द पेप्टिक और द चीफ सेल्स विच आर गोइंग टू सिक्रीट द एंजाइम्स इन द इनएक्टिव फॉर्म. और जो एंजाइम्स हैं वो है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, दोनों को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव द पेराइटल सेल्स और द ऑक्सेंडिक सेल्स. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. दे सिक्रीट कॉन्क एसियल. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कॉन्क एसियल, तो इन दोनों एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन इंटू पेप्सिन, प्रोरेनिन इंटू द रेनिन. देन वी हैव दिस इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई द पेराइटल सेल. इंट्रिंसिक फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द कैसल्स फैक्टर, और ये मदद करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12. नेक्स्ट वी हैव गॉट द म्यूकस नेक सेल्स. तो जो म्यूकस नेक सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस म्यूकस, एक तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है अलॉन्ग विद दैट. अब हमारा यहाँ पे कॉन्क एसियल सिक्रीट हो रहा है. दिस कॉन्क एसियल कैन इरोड द म्यूकोसल एपिथीलियम ऑफ द स्टोमक. अगर उसका इरोजन हो गया तो वी विल सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड पेप्टिक अल्सर. तो उससे बचाने के लिए ये जो म्यूकस है अलोंग विद बाइकार्बोनेट यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. तो सिंस यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया हुआ है, तो कॉन्क एससीएल इस म्यूकोसल एपिथेलियम पे एक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कि दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर. नाउ ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एंजाइम्स हैं पेप्सिनोजेन एंड दिस प्रोरेनिन, व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड इनटू द पेप्सिन एंड द रेनिन, ये कितने पीएच पे काम करेंगे, तो दे विल एक्ट एट अ पीएच 2 दैट इज अ हाईली एसिडिक पीएच. दिस पीएच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्क एससीएल. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेंक्रियाटिक जूस. तो ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पेंक्रियास है दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके दो पार्ट है. एक है एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट इज गोइंग टू सिक्रीट द पेंक्रियाटिक जूस दैट विल बी हेल्पिंग इन द डाइजेशन, एंड द एंडोक्राइन पार्ट विल बी सिक्रीटिंग द हॉर्मोन्स दैट इज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पेंक्रियाटिक जूस, तो द मेजर कंपोनेंट्स आर द एमाइलेज, एमाइलेज जो कि स्टार्च पे काम करेगा. हम लोग जानते हैं कि ओनली द 30% ऑफ द स्टार्च हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय द सलाइवरी एमाइलेज, रेस्ट 70% के ऊपर काम करेगा पेंक्रियाटिक एमाइलेज. देन वी हैव गॉट द लाइपेज जो कि लिपिड पे काम करेगा, एंड देन वी हैव द न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करेगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. नाउ ये भी जो एंजाइम्स होते हैं दे आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म. नाउ व्हाट आर दे,
ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। नाउ सभी इन एक्टिव को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ एंट्रोकाइनेज। नाउ एंट्रो, जब भी वर्ड आएगा एंटर, इसका मतलब होता है इंटेस्टिन। तो एंट्रोकाइनेज कम्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टिन। नाउ एक बार ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया, नाउ आई डोंट नीड दिस एंट्रोकाइनेज। रेस्ट टू काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, दे विल बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ द ट्रिप्सिन इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। मतलब ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन के लिए एंट्रोकाइनेज, लेकिन रेस्ट दोनों इनएक्टिव के लिए ट्रिप्सिन ही उनको एक्टिवेट कर देगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टिनल जूस है उसको हम लोग सकस एंटेरिकस बोलते हैं। नाउ कोई भी डाइजेशन कहीं से भी स्टार्ट हो, वी नो दैट द डाइजेशन का मतलब होता है द लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डाइजेशन का जो लास्ट स्टेप होगा वो हमेशा और हमेशा स्मॉल इंटेस्टिनल जूस से होगा। जैसे कि मान लीजिए वी आर टेकिंग अ स्टार्च, तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड ब्रोकन डाउन इनटू ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ब्रोकन डाउन इनटू अ डाइसेकेराइड। नाउ डाइसेकेराइड के बाद वाला स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट विल बी इनटू द मोनोसेकेराइड। This will be always done by the small intestinal juice. So the last step, disaccharidases. So disaccharide. So maltose ko todne ke liye maltase, sucrose ke liye sucrase aur lactose ke liye lactase. Again, jab hum log protein ko todenge, to dipeptide. Dipeptide ko todne ke liye we have a dipeptidase. जो हमारा लिपिड्स होगा, दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द डाइग्लिसराइड्स एंड द मोनोग्लिसराइड्स। उनको तोड़ने के लिए वे हैव गॉट द लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड टूटेगा इनटू द न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए वे हैव द न्यूक्लियोटाइडेस। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने, न्यूक्लियोटाइड इनटू द न्यूक्लियोसाइड, एंड फाइनली द न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए वे हैव गॉट समथिंग कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइडेस। तो जितना भी लास्ट स्टेप वाले एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। नाउ बोथ दिस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द स्मॉल इंटेस्टिनल एंजाइम्स आर गोइंग टू एक्ट एट अ पीएच अराउंड 8.4, दैट इज द अल्कलाइन पीएच। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, दे इनका जो एंजाइम्स हैं, दे एक्ट एट अ हाईली एसिडिक पीएच ऑफ पीएच 2। जो सलाइवरी ग्लैंड है, दैट इज द सलाइवा, दिस एक्ट्स एज अ pH 6.8। So now let's start with the digestion part. तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल को सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देना। So we take with the starch, that is a polysaccharide. Now कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। रिमेंबर only the 30% of starch is digested by the salivary amylase, and this is broken down into maltose and isomaltose. Then the food moves into the stomach. Stomach mein kisi bhi tarah ka amylase enzyme present nahi hai. So next we move to the intestinal region. To intestinal region mein sabse pehle aata hai pancreatic amylase, that acts upon the rest 70% starch and again breaks down into the maltose and isomaltose. अब जो polysaccharides है वो disaccharides में टूट चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया है the last step is always done by the small intestinal enzymes. So maltose acted by maltase into glucose plus glucose, 2 units of glucose. Lactose broken down into glucose plus galactose. And then we have the sucrose broken down into the glucose and fructose. Now let's talk about the protein digestion. Now protein का digestion हमारे mouth से start नहीं होता है, because saliva में किसी भी तरह का proteolytic enzyme present नहीं है. So the protein digestion starts from our stomach. Protein पे काम करता है pepsin at the pH 2 and breaks into peptones and proteoses. But this is not complete digestion. They are incompletely digested proteins. Now, the food moves into the intestine. Intestine pe peptones aur proteases pe kaam karte hain pancreatic proteolytic enzymes. Maine baat kiya tha abhi, trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase. And again, they break it into dipeptides. Now, this dipeptides, now the last step aa chuka hai, is pe kaam kaun karega? Is pe kaam karega hamara intestinal enzyme, that is the dipeptidase, and breaks down into the amino acids.
Now a special thing about the milk protein. The milk protein is called the casein. सबसे पहले इसको कर्डल करना पड़ता है और इसको कर्डलिंग करने में हेल्प करता है रेनिन. वंस द मिल्क हैज बीन कर्डल्ड उसके ऊपर पेप्सिन काम करके उसका डाइजेशन को कंप्लीट कर सकता है. सो स्टूडेंट्स व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. तो दैट इज ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन. तो आंसर इज गोइंग टू बी द अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट अबाउट द लिपिड डाइजेशन. तो मैंने पहले ही बताया है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका इमल्सिफिकेशन करना और इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल. सो वंस द फैट हैज बीन इमल्सिफाइड तो बाइल विल कम इन इंटेस्टाइन. तो जब तक लिपिड इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा तब तक उसका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा. वी नो समथिंग कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब स्टोमक में भी एक लाइपेज होता है लेकिन वो काम तभी करेगा जब आपका लिपिड पहले से ही इमल्सिफाइड हो. इमल्सिफाइड प्री इमल्सिफाइड लिपिड और फैट इज फाउंड इन द बटर. अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड का डाइजेशन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्टोमक. दिस इज ओनली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. नाउ इमल्सिफाइड फैट पे सबसे पहले काम करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द डाइग्लिसराइड. Now comes the last step. हमेशा ही last step पे कौन काम करेगा? Intestinal enzymes. So these diglycerides or monoglycerides are acted upon by intestinal lipase and the end product will be the fatty acid and glycerol. We know that triglyceride जब टूटता है तो हमारे पास एक glycerol का molecule और तीन fatty acid के molecule release होते हैं. तो end product of the fat digestion is the fatty acid and the glycerol. And now the last one is the nucleic acid digestion. So nucleic acid का digestion भी again intestine में ही start होगा और इस पे काम करेगा pancreatic nuclease. The monomers are the nucleotide. Now nucleotide को further break करना है. That is the last step आ चुका है. तो इस पे काम करेगा nucleotidase, intestinal nucleotidase, nucleotide into nucleoside. और फिर न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा इंटेस्टिनल न्यूक्लियोसाइडेज दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. सो एंड प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन इज गोइंग टू बी सुगर प्लस द नाइट्रोजन बेस. द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर कि आखिर जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट. सो द एंड प्रोडक्ट्स वेयर ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज दे आर एक्टिवली एब्जॉर्ब. उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए एंड दिस इज बाय सोडियम को ट्रांसपोर्ट. मतलब एक सोडियम का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तभी जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तभी जाकर एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा. मतलब इन दोनों के लिए आपको सोडियम का रिक्वायरमेंट है. फॉर फ्रुक्टोज दिस इज अ passive absorption and this is by facilitated diffusion. Next one about the absorption of protein. तो protein का end product था amino acids. Amino acids दो तरह के हो सकते हैं. One is the levo amino acid and other is the dextro amino acid. Levo amino acids are actively reabsorbed by sodium co-transport whereas the dextro amino acids are passively reabsorbed by facilitated diffusion. Next, the most important one here is the absorption of the lipids. Now, lipid ka jo end product hai, wo hai fatty acid and glycerol. But first, they are incorporated into micelle. Now, this is the micelle which is absorbed by the intestinal mucosa. So, intestine ka mucosa micelle ko absorb karta hai. Within the mucosa, फिर से re-esterification होता है. Re-esterification का मतलब है कि glycerol and fatty acid फिर से combine करते हैं and they form a structure called triglycerides. Now, these triglycerides they get coated with a layer of protein forming a structure called chylomicron. ये chylomicron is a large size molecule. ये directly blood capillaries में absorb नहीं हो सकता है. इस कारण से दे आर एब्सॉर्ब इन द लिम्फेटिक वेसल एंड दैट इज नोन एज द लैक्टीन. सो द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दे आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब इन टू द ब्लड कैपिलरीज बट द लिपिड्स आर एब्सॉर्ब इन टू द लैक्टील्स एंड फ्रॉम देयर दे विल कम बैक इन टू द ब्लड सर्कुलेशन. सो स्टूडेंट्स दिस वॉज अ कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स. मैं बहुत ही जल्दी एक नया चैप्टर का रिविजन वीडियो लेकर आऊंगा. तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.